हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड आपको ऑप्शन देखना पड़ता, फोन में सेटिंग सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखना पड़ता फोन में, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में लॉक स्क्रीन पासवर्ड फेस लॉक फिंगर लॉक, तो आपको अपने फोन में फिंगर लॉक ऐड करना है, तो आपको फिंगर पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में जो आपने अपने फोन में पासवर्ड लगा रखा है, वो आपको यहाँ पर एंटर करके कन्फर्म पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में, यहाँ आपको अपने फोन में फिंगर लगाना है और रिमूव करना है। इस प्रकार आप अपने फोन में फिंगर लगाएंगे रिमूव करेंगे, यहाँ आपका फिंगर काफ़ी अच्छे से जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में डन का, तो इस प्रकार आपको अपने फोन में फिंगर लगाना है और रिमूव करना है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मेरे फोन में काफ़ी अच्छे से मेरा फिंगर जो वो ऐड हो रहा है, तो इस प्रकार आप अपने फोन में फिंगर लगाएंगे रिमूव करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में डन का, तो आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपने फोन में फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। अगर आपको फिंगर के साथ में फेस लॉक ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार आपने फोन में फिंगर लॉक ऐड करेंगे। आई होप अगर आपको मैं वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।